के माध्यम से जो भी वैष्णव कीर्तन गान का अलौकिक आनंद ले रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी सीखना शुरू किया है, उनके लिए यह बताना जरूरी है कि नित्य के कीर्तन में सिर्फ पखावज की संगत होती है, झांझ नहीं बजाई जाती और चलती भी नहीं की जाती। उत्सव के पदों में, हिंडोरा के पदों में, वसंत धमार के पदों में, कीर्तनों में अंतिम दो पंक्तियां चलती में गाई जाती है, बजाई जाती है और तब झांझ की संगत पखावज के साथ की जाती है। तो बहुत से वैष्णव पूछ रहे हैं कि झांझ कैसे बजाए, ताल कैसे दे, और हम सभी जानते हैं कि पुष्टिमार्गी हवेली संगीत में राग और ताल में ही कीर्तन गाए जाते हैं। 12 मास के दौरान जो भी हम कीर्तन गाते हैं वो सब विविध रागों में और विविध तालों में प्रभु सन्मुख गाया जाता है। यह परंपरा श्री गोसाई जी प्रभुचरण की बड़ी देन है। तो ये आने वाली पीढ़ी भी अच्छी तरह गाए, अच्छी तरह बजाए और प्रभु को रिझाए, यह शुभ हेतु से पुष्टिमार्ग में यह सेवा जो मिली है वो पुष्टिमुन के माध्यम से कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। शिवल्लभ कुल के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। और झांझ पखावज के साथ कैसे बजाई जाती है, तो ताल तेवरा धा दिन ता किट तक गदीगा आ दिन ता किट तक गदीगा आ दिन ता किट तक गदीगा एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो सात मात्रा तेवरा में ऐसे झांझ में बजाई जाती है जब चलती होती है। तो पखावज में इसके बोल बजते हैं धा दिनता किट तक गदिगन धा दिनता किट तक गदिगन। तो इसके साथ सात मात्रा ऐसे झांझ में बजाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात। यह झांझ में चलती में बजाए जाते हैं टुकड़े। और ताल का अभ्यास करने से और भी इसमें वेरिएशन्स हम ला सकते हैं। धा दिन पार किट तक गदिगन 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 धा दिन पार किट तक गदिगन। तो यह हर रोज अभ्यास करने से ही हम बजा सकते हैं। तो अब हम बजाएंगे ताल चौथा मात्रा 12। पखावज में इसके बोल बजते हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गदिगन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो नित्य में तो बिना चलती के पखावज यही ताल में ऐसे बजती है, किंतु जब बधाई हो, हिंडोरा के पद हो, उत्सव के पद हो, तब चौताल में चलती कैसे बजती है, तो इसकी लय बढ़ती है। धा धा दिन ता इत धा दिन ता इत तक गदिगन धा धा दिन ता इत धा दिन ता इत तक गदिगन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो पखावज के जो रेला बजते हैं, परन बजती है, तो उसके साथ झांझ ऐसे बजने से जो एक अलौकिक महक आती है, जो पुष्टिमार्गी हवेली संगीत की एक विशिष्ट रूप से पहचान है, जो एक दिव्य वातावरण का सर्जन करती है, तो पखावज के साथ झांझ में अभ्यास करने से ऐसे भी हम चलती में बजा सकते हैं। तो इसी तरह
हर रोज अभ्यास करने से चलती में पखावज के साथ हम जांच बजा सकते हैं। तो हर रोज यह अभ्यास करें और ताल में ही झांझ बजाए, इसी तरह प्रभु को प्रसन्न करें।